सॉरी, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। उस एसपी का डीजीपी से बात करके ट्रांसफर करवा दूंगा। असल मैटर क्या है? अभी तक हम लोगों ने किया है लैंड ग्रैबिंग, लैंड ड्रिलिंग्स, काले धंधे और सेटलमेंट्स। अब हमें कुछ अलग करना है। शालीमार के एमएलए अजीज का कत्ल करना है। इस समय ये सब ठीक नहीं है भाई, चलो चलते हैं। शत्रु, ₹500 करोड़ की डील है ये। इस सेटलमेंट से हम सभी सेटल हो जाएंगे। सर, अब डील का क्या होगा? मैंने एक नई डील सोची है। इस समय सिटी में कोई भी किसी को मारेगा तो यह काम शत्रु का ही समझा जाएगा। फोन। मम्मी, कैसी हो? पापा आए क्या? नहीं आए। वो लड़का तेरी दीदी से शादी करने के लिए मान गया है। क्या कहा? दीदी से शादी करने के लिए उसने हाँ कह दी? सच में? लेकिन तेरे बगैर ये शादी कैसे होगी? तेरे बगैर शादी करने के लिए मना कर दिया है। मम्मी, आज नहीं तो किसी न किसी दिन मैं भी वहाँ आ जाऊंगी। मम्मी, फिर ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा ना? और फिर वो दीदी का पसंदीदा लड़का है। प्लीज मम्मी, कैसे भी दीदी को मनाओ ना। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी, तो अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है मम्मी। गन इस्तेमाल किए बिना तुम शादी भी नहीं करोगे क्या? आखिर मेरी दीदी की शादी तुम्हारी ही वजह से हो रही है। गन देखते ही मान गया होगा। बोलो, प्लीज प्लीज बताओ ना, बताओ बताओ, प्लीज बोलो। हाँ, बुलवाने के लिए ये करना पड़ता है। क्या है, डरा रहे हो? एम्प्टी गन दिखाकर आजकल डराना फैशन हो गया है। शूट करोगे? शूट करोगे? शूट करोगे? शादी में फोड़ना था पटाखा, पहले ही फोड़ दिया। अरे शादी के लिए किसने मना किया? क्या रे, तूने मना किया क्या? क्या है ना कि बैंड बाजे वालों को ऑर्डर देना है ना, कितना काम है मेरे पास में भी,